आपको दुनिया के सबसे 10 छोटे देश के बारे में बताएंगे जिसका क्षेत्रफल 0.4 वर्ग किलोमीटर से लेकर 160 वर्ग किलोमीटर तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप वेटिकन सिटी का नाम बता देंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि दुनिया के 10 सबसे छोटे देश कौन से हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है तो शायद आपको भी नहीं पता होगा। ऐसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में। वेटिकन सिटी के अलावा इनमें से कुछ देश 2 किलोमीटर तो कुछ देशों का क्षेत्रफल 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर इन देशों की तुलना भारत से की जाए तो यकीन मानिए इनमें से कई देशों का क्षेत्रफल एक छोटे से कस्बा, शहर या फिर किसी राज्य के एक जिले के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं वेटिकन सिटी के ऊपर। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है, 0.44। यहाँ की जनसंख्या 800 है। हालांकि दिन में इस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या 1000 है। यहाँ पर कई शानदार इमारतें भी हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। फिर है मोनाको। यूरोप का मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश है। बड़ा नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश है। 20 सालों से लगातार समुद्री लहरों के कारण अब इसका क्षेत्रफल महज 2.02 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। यह पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहतरीन देश है। फिर है नौरू। नौरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। नौरू का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर है। इस देश के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। फिर है तुवालु। ये दुनिया का सबसे चौथा छोटा देश है। 26 वर्ग किलोमीटर में फैले तुवालु को 1978 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। फिर है सैन मेरिनो। सैन मेरिनो खूबसूरत शहर है। सैन मेरिनो दुनिया का पांचवा सबसे छोटा देश है। 61 वर्ग किलोमीटर में फैला सैन मेरिनो की खोज AD 301 में हुई थी। ये दुनिया के प्राचीन देशों में से एक है। फिर है लिक्टनस्टीन। यूरोप का यह देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यह दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल है 160.4 वर्ग किलोमीटर। फिर मार्शल द्वीप्स, मार्शल आइलैंड जिसे कहते हैं। मध्य सागर में स्थित मार्शल द्वीप दुनिया का सातवां सबसे छोटा देश है। 181 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश अमेरिका से अलग होकर 1986 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी अमेरिका के पास है। फिर सेंट किट्स एवं नेविस। सेंट किट्स एवं नेविस का क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित इस देश के लोगों का इनकम का प्रमुख जरिया टूरिज्म और खेती पर निर्भर है। फिर मालदीव्स। हिंद महासागर में स्थित मालदीव भी दुनिया के छोटे देशों में शामिल है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का नौवां छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से मालदीव भी लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर है माल्टा। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल है 316 वर्ग किलोमीटर। धन्यवाद।